So, brothers and sisters, about the new covenant, why I wanted to share was it has been a tremendous blessing for my life. मैं जो है नई वाचा के बारे में इसलिए बार बार बांटना चाहता हूँ क्योंकि इसके द्वारा मुझे बहुत अपने खुद के जीवन में बहुत आशीष मिली है। या सो आई टेल यू हाउ इन द कोर्स ऑफ द मैसेज व्हाट वाज द डिफरेंस इट हैज मेड. और मैं बांटना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में जो बदलाव हुआ उसके बारे में। So, let me just put a presentation. और एक Okay, now, प्रेजेंटेशन है ये, so all of you can see this, right? आप सब ये देख सकते हैं। ब्रदर You can see? ऐसे Yes, brother. Okay. It's in English, but you can refer to all of us can open our Bibles, okay? Because many verses will be there which will be helpful. Only when you open the Bible, you will be able to appreciate. और आप सब ये जो है अंग्रेजी में है, जो प्रेजेंटेशन है, जो प्रदर्शन जो यहाँ दिखाया गया है वो अंग्रेजी में है, लेकिन आप लोग आप अपनी जो बाइबल है खुला रखें आपके सामने ताकि वो जो वचन दिए हुए हैं उसे आप पढ़ पाएं। So Exodus 19:5 and 6 says, "Now then, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be my own possessions among all the peoples, for all the earth is mine, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words that you shall speak to the sons of Israel." निर्गमन का 19वां अध्याय का 5वां और 6वां वचन, इसीलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इसराइलियों से कहनी है वे ये ही है। So, brothers and sisters, this was given by God to spoken to Moses on Mount Sinai. और भाइयों और बहनों, प्रभु परमेश्वर ने ये जो बातें हैं वो मूसा के द्वारा साइनाई पर्वत पर कहा गया। So they were on their way from Egypt to the Promised Land, and at Mount Sinai, God gave them this covenant. ये तब दिया गया जब इसराइली लोग मिस्र से छुटकारा पाकर वो कनान देश की ओर जा रहे थे, तब प्रभु ने उन्हें ये वाचा दिया। And this Mount Sinai, when God came on to Mount Sinai, it was very great sight because there was thunder, there was lightning, and there was fire and smoke was coming in the mountain when God was there. और जब प्रभु ने ये उस पर्वत पर सानाई पर्वत पर ये जो वाचा दिया मूसा को, तब एक बहुत ही अद्भुत दृश्य था ये। तब जो बिजली चमक रही थी और जो बादल गरज रहे थे, धुआं निकल रहा था, तो एक बहुत ही भयानक दृश्य था ये So it is a great sight. और एक बहुत ही अद्भुत महान दृश्य था। When this old covenant was given, it came with tremendous, the Bible says, came with glory. तो जब ये जो पुराना वाचा प्रभु ने दिया तब ये महिमा से भरा हुआ था, ऐसे लिखा है वचन में। So now we come to the new covenant. We'll see that what the new covenant is. और आगे हम जो नई वाचा है उसके बारे में देखेंगे। The New Covenant, Hebrews chapter 8, verse 10 to 12. वो जो है इब्रानियों का 8वां अध्याय उसका 10 से 12वें वचन तक हम देख सकते हैं। So it says, "For this is the covenant that I will make with the house of Israel." Now, the house of Israel, after Jesus came, is including the Gentiles. जो इज़राइल का घराना कहा गया है उसमें जो गैर यहूदी है वो भी मौजूद है। जब से प्रभु यीशु इस दुनिया में आए तब से जो गैर यहूदी लोग हैं
अन्य जाति के लोग भी इसमें शामिल हैं, दैट इज फाउंड इन गैलेशियंस चैप्टर 6, आई थिंक इट इज वर्स 16. और इसके बारे में हम गलातियों का 6वां अध्याय और उसके 16वें वचन में पढ़ सकते हैं। After those days, says the Lord, I will put my laws into their minds and I will write them on their hearts and I will be their God and they shall be my people and they shall not teach everyone his fellow citizen and everyone his brother, saying, Know the Lord, for all will know me from the least to the greatest of them, for I will be merciful to their iniquities and I will remember their sins no more. इब्रानियों 8:10-12 तक फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे और हर एक 10-12 और हर एक अपने देश वालों को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। सो वी कैन सीइंग बोथ द कवेनेंट्स वी कैन नो दैट दिस कवेनेंट इज अ बेटर कवेनेंट. हम इन दोनों वाचाओं की जब हम तुलना करेंगे तो हमें यह महसूस होगा कि जो नया वाचा है वो और उत्तम है Because it's and it says it is a better promises. और इसमें जो है उत्तम प्रतिज्ञाएं भी दी गई है। Because in this it says 5 times, it says that God says that I will 5 times. और यहाँ क्योंकि प्रभु खुद कहते हैं कि मैं ये करूंगा। So it's this new covenant is all about what God is going to do in our life. तो जो नई वाचा है ये हमें बताता है कि प्रभु हमारे जीवन में क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे। So then definitely it will really make a great change in our life. तब जो है हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी जो बदलाव हो सकती है। So brother and sister, I want to say that we will appreciate what is being spoken about the new covenant when we condition ourselves to have these at least these 3 things. हम जो है इन बातों को ज्यादा महत्व तभी देंगे जब हम इन शर्तों को समझेंगे। See, all of us, when we accept Jesus Christ, are in the new covenant. जब हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके हमने स्वीकार किया तो हम सब जो है नई वाचा में के सहभागी हो गए हैं। But the issue is that, you know, we may not live in this life because we may still live that old covenant way of life, even though we are born again Christians. लेकिन जो मुश्किल हमारे सामने है वो ये है कि हम नए वाचे में होने के बावजूद हम पुराने वाचे के लोगों के समान अपना जीवन जी रहे होंगे। So to understand and appreciate this and to get a revelation of this, के लिए so first one is we must be sin sick. तो हम पहली बात है कि हम पाप से तंग आ चुके हैं। Second one is a surrendered life. और दूसरा है समर्पित जीवन। And the third one is a hunger and thirst for God. और तीसरी बात है परमेश्वर के लिए भूख और प्यास। These will cause these words which we are speaking about the new covenant to become more alive. तब ये जो बात हम बांट रहे हैं नई वाचा के बारे में ये हमारे जीवन में एक प्रकटीकरण के रूप में हमें मिलेगा। And once we get revelation and God shows us about this, this revelation and this light will keep on increasing. और जब हमें एक बार ये प्रकटीकरण मिल गया तो ये जो प्रकाश जो हमने पाया है वो हमारे जीवन में बढ़ता जाएगा। Every year, every time it will keep on increasing and our life will be filled with so much of joy and excitement in knowing this. और हर समय और हर वर्ष जो है ये हमारा जो ये प्रकाश है वो बढ़ता जाएगा और ये एक हमें ऐसा आनंद और उत्तेजित
कर देगा। So I want to say that I was living that old covenant life for a long time. मैं कहना चाहता हूं कि मैं ऐसा जो पुरानी वाचा का जो जीवन है, इसी जीवन में मैं बहुत सालों तक जी रहा था। Though I had a sincerity in my life, but when these things were hidden for me. तो मेरे दिल में तो प्रभु के प्रति सच्चाई से प्रेम तो था, लेकिन ये जो बातें हैं ये मेरे आंखों से छिपी हुई थी। All the three things which I said, I could say that to some measure it was there in my life. ये जो तीनों बातों के बारे में मैंने बताया, ये तीनों बातें मेरे जीवन में का एक भाग तो था। So let us see now the first we'll see this new covenant how it affects our life. तो हम देखेंगे कि जो नई वाचा है किस प्रकार हमारे जीवन में असर डालता It है, says, I will put my laws into their minds and I will write them upon their hearts. और प्रभु यहाँ कहते हैं कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा। See, when we know this, when we believe in this, and when we know that this is true in our life, जब हम इसको समझेंगे और हम जानते हैं कि ये हमारे जीवन में सच्चाई में हुई है, it means that God is putting His word into our minds. तो इसका ये मतलब हुआ कि परमेश्वर जो है इस इन वचनों को वो हमारे मनों में वो डाल रहे हैं। Because we hunger and thirst after Him, when we read His word is coming into our minds. When we are hearing a message, it is coming into our minds. क्योंकि जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो ये बात हमारे मनों में आकर बसती है, क्योंकि हम अंदर हमारे अंदर ऐसी भूख और प्यास है। जब हम प्रचार को सुनते हैं तब ये जो वचन है हमारे मन में डाले जाते And when हैं, we are receiving it is also getting written in our heart. और जब हम उसको स्वीकार करते हैं तो वो हमारे हृदयों में लिखी जाती है। Maybe there is a problem. Maybe some sin is affecting our life. शायद कोई पाप हमारे जीवन में असर डाल रहा है, कोई Maybe there's a struggle with sin. किसी पाप से हमारे जीवन में संघर्ष है। But as we read the word of God, as we hear the message of preaching, we say, Lord, I don't want that in my life. तो जैसे हम वचन को पढ़ते हैं और प्रचार को सुनते हैं तो हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु मुझे ये बात से छुटकारा चाहिए। Then it gets written in my heart. तो ये बात जो है हमारे हृदयों में लिखी जाती है। And then what happens in our life changes such a way that God's commandments are not burdensome. तो इस प्रकार हमारे जीवन में ऐसा बदलाव और ये वचन जो है ऐसे असर डालता है कि हमारे लिए प्रभु के जो वचन है वो ऐसे हमें भारी ऐसे महसूस नहीं होगा। So, First John 5:3 says, पहला यूहन्ना 5:3। For this is the love of God that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. पहला यूहन्ना 5:3, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी या आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। See, many times I found that commandments are burdensome. It's I have to do this, I have to do that. There was some sense of burden. कई बार मैंने ऐसे महसूस किया है कि प्रभु की आज्ञाएं मेरे लिए मुश्किल जैसे कठिन मुझे महसूस होता था। And some of you or quite a number of us may feel sometimes it's burdensome. और हम में से भी कई लोगों को ऐसे महसूस होता होगा कि ये जो है कठिन है। The Apostle Peter said in Acts chapter 15, प्रेरित पत्रस ने प्रेरितों का पुस्तक Acts chapter 15 verse 10. You don't need to look there right now. I'll read it. प्रेरितों का 15वां अध्याय और उसके 10वें वचन में उन्होंने कहा, He said, "It's a yoke which neither our fathers nor we have been able to bear." उन्होंने कहा कि जिसने About the law, about the law. हमारे ये जो है उन्होंने व्यवस्था के बारे में कहा प्रेरितों 15:10 में कि जिसे ना हमारे बाप दादे दादे उठा सके
के थे और ना हम उठा सकते हैं। सो दैट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ द अपोसल पीटर. और यही थी प्रेरित पत्रस की अनुभव, When he was living under the law. जब वो पुरानी वाचा के अधीन अपना जीवन बिता रहे थे। But the apostle John, who was also under the law, लेकिन फेंक जो दिए. but the apostle John, who was also under the law, said this: his commandments are not burdensome. लेकिन प्रेरित प्रेरित यूहन्ना जो नई वाचा के अधीन रहते हैं, वो उन्होंने कहा कि उनकी आज्ञा मेरे लिए कठिन नहीं है। So this is such a wonderful thing that, you know, to follow Jesus and to follow his ways, there is no burden. तो ये कितनी अच्छी बात है कि प्रभु यीशु के पीछे चलना और उनकी आज्ञाओं को मानना कठिन नहीं है, Because his law is in my mind and his law has been written in my heart. क्योंकि उनके जो वचन हैं वो हमारे मनों में डाले गए हैं और हमारे हृदयों में लिखे गए हैं। And also that God is with me to help me to obey the commandments. और परमेश्वर हमारे साथ है कि वो हमें सहायता दे कि हम इन वचनों के अनुसार चल पाए। Everybody should know that Philippians chapter 2 verse 13. हम में से सब लोग इन वचनों को जानते होंगे जो फिलिपियों का दूसरा अध्याय और उसके 13वें वचन में लिखा है। Yeah. So it says, "For it is God who is at work in you both to will and to work for His good pleasure." फिलिपियों दूसरा अध्याय उसका 13वां वचन, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। That means God is active within us to give us, to show us what is to be done, and also to give us the ability to do it. तो हम इससे समझ सकते हैं कि परमेश्वर भी हमारे जीवन में सक्रिय हैं, कि वो हमारे अंदर ऐसी इच्छा उत्पन्न कर सकते हैं और उसको पूरा करने का भी कार्य वही करते हैं। Whereas in the old covenant in the law, it was, "Thou shalt not steal." And you are left to yourself not to steal. लेकिन पुराने वाचा के अनुसार जब नियम दिए जाते थे कि चोरी नहीं करना चाहिए, तो सिर्फ हमें वो नियम मिलता था और उसको पूरा करने के लिए हमें कोई भी सहायता नहीं मिलती थी। So everything that in the new covenant, it is God with us to help us to do the thing. तो नई वाचा में बात ये है कि हमें सहायता भी मिल रही है उस नियम को पूरा करने के लिए। We are the people who are doing the things, obeying the commandments. We are the ones who are obeying. God is not obeying. We are obeying. हम भी हैं वो लोग जो इन नियमों का पालन कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें पूरा नहीं कर रहे हैं, Because हम ही कर रहे हैं उन्हें। in verse 12 it says, "So then, beloved, just as you have always obeyed, not in my absence, but now much more in my in not in my presence." But much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling. So there is a workouting of, there is an obedience on our part. तो जैसे कि फिलिपियों 2:12 में लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रियों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके आप मेरे दूर रहने पर भी डरते और कामते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ कार्य करना जरूरी है, हमें भी कुछ करना है। There was obedience in the old covenant. There is obedience in the new covenant. और जो पुराने वाचा में नियमों का पालन है और नए वाचा में भी नियमों का पालन करना पड़ता है। Yeah, I am the one who is obeying God's commandments. मुझे ही वो जो नियम है उनका पालन करना पड़ता है। But I am finding now in this new covenant that God is at work in me both to will and to do of His good pleasures. लेकिन हम ये देख सकते हैं कि परमेश्वर ही हमारे अंदर ऐसा कार्य कर रहे हैं कि वो ही हमारे अंदर उस इच्छा और काम करने का जो इच्छा है वो उत्पन्न करते हैं। Suppose you want to apologize to somebody, अगर हमें किसी से माफी मांगनी है, then sometimes you find it difficult because
maybe it's a we may have, and the more we delay, it becomes more difficult. और अगर ये एक मुश्किल बात है हमारे लिए और जैसे हम देरी करते हैं तो और भी मुश्किल होता जाता है। But all you have to say is, Jesus, please help me and show me, Lord. And then when the Lord shows us, he will say, come, I'll be with you. While you are going for apologizing, Jesus is with us. और जब हमें माफी मांगनी है तो हम अगर हम प्रभु से कहेंगे प्रभु मेरी मदद करें कि मैं माफी मांग पाऊं तो प्रभु ऐसे कहेगा कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और मैं तुम्हें सहायता दूंगा। We can say in the new covenant that God does not expect us to do anything by ourselves. और नई वचन के अनुसार ये एक जो वादा हमें मिला है कि प्रभु ये नहीं चाहते कि हम अपने आप से अपने खुद के प्रयास से कुछ करें। The Holy Spirit is within us, and God is there to help us, work us, and that's why His commandments are not burdensome. क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है और परमेश्वर हमें सहायता देते हैं कि हम उन नियमों का पालन को पूरा कर सकें। So then now we'll see the next one. It says here, and I will be their God, and they shall be my people. और अगली बात ये कही गई है कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। And it says, and they shall not teach everyone his fellow citizen and everyone his brother, saying, Know the Lord, for all will know me from the least to the greatest of them. और 11वां वचन और हर एक अपने देश वालों को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। See, even in the old covenant, God was the God of Israel and they were his people. पुराने वाचे में भी हम देख सकते हैं कि इज़राइल प्रभु का जन था प्रभु के लोग थे वो Even though they were disobedient, he was they were his people. आज्ञा ना मानने वाले होते हुए भी प्रभु उनको अपना ही समझते थे But they did not know the Lord. लेकिन वो परमेश्वर को नहीं जानते थे। They had to go to a prophet or something like that to know the will of God. तो वो उन्हें जो है एक भविष्य वक्ता के पास जाना पड़ता था अगर प्रभु की इच्छा को उन्हें जानना है। Now all of us who are born again knows the law. हम सब उन्होंने प्रभु को स्वीकार किया है हम सब प्रभु को जानते हैं। Okay, all of us in some measure or the other know the Lord. हम सब जो हैं प्रभु You know the Lord. को जानते हैं। But here in the new covenant, we can have a close fellowship with God. लेकिन नई वाचा के अनुसार हम प्रभु के साथ जो है एक निकट या एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध हम निभाते हैं प्रभु के साथ And we can, when we go to God, we can have confidence. और हम हियाव के साथ और साहस के साथ प्रभु के सम्मुख जा सकते हैं। The old covenant, they do not have confidence to go to God. पुराने वाचा में वो जो धीरज से प्रभु के पास नहीं जा सकते थे Because the old covenant life was a life of a slave. क्योंकि जो पुराना वाचा का जीवन था वो एक दास का जीवन के समान। Today we have been made sons and we can have that confident relationship. लेकिन आज जो है हम प्रभु के संतान बन गए हैं और इस कारण हम हियाव से साहस से प्रभु के पास जा सकते हैं क्योंकि हम उनके संतान पुत्र हैं। But brothers and sisters, though I knew Jesus more, I knew God, I didn't have the confidence that I have now. मैं प्रभु को जानता तो था लेकिन मेरे अंदर वो धीरज या साहस नहीं थी जिस प्रकार आज मुझ में है। Now it is 24/7 confidence in God. और आज जो है 24 घंटे और 7 दिन मैं प्रभु पर के पास हियाव से जा सकता हूँ। Whether I'm sleeping, whether I'm waking up, I know my father, I know I'm his beloved, and I can go confidently to him. मैं जानता हूं कि मैं प्रभु के लिए बहुत ही प्रिय ठहरता हूं। Okay, so this is the privilege in the new covenant. ये ही जो है एक ऐसा जो हमें जो आशीष मिला हुआ है नए वाचा में। So
Then sisters, takes some more time. Regarding this confidence, I just want to stress on Galatians chapter 4. और इस साहस के बारे में मैं गलातियों का 14 अध्याय में से बांटना चाहता हूँ। See, brothers and sisters, I could find, I don't know, these scriptures, I just noticed it. And there is a section in Galatians chapter 4, verses 21 to 31, which speaks about the new covenant. और गलातियों का 4वां अध्याय और उसका 21 से 31. 31 तक कुछ ऐसे वचन हैं जो हमें समझाते हैं। See, wherever we find the word new covenant or old covenant, there we get some treasure. तो जहां भी कुछ ऐसे जो वचन कहे गए हैं जैसे नई वाचा या पुराने वाचा, तो वहां हम कुछ संपत्ति या धन पा सकते हैं। Here it says that Abraham in this section, I'm not reading it fully, I'm just explaining it. मैं इनको पढ़ नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको इसके बारे में वर्णन दे रहा हूं। It says, Abraham had two sons, one by a bond woman and one by a free woman. और यहाँ ये कहा गया है कि अब्राहम के दो पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। So we know that Ishmael was born through Hagar and Isaac was born through Sarah. हम जानते हैं कि हाजरी के द्वारा इश्माएल पैदा हुआ और सारा के द्वारा इसहाक पैदा हुआ। So Hagar, the Bible is saying, represents the old covenant. तो हाजिरा जो है वो पुरानी वाचों को दर्शाती है। See how God, the Holy Spirit, has compared a slave woman to the old covenant. कैसे पवित्र आत्मा ने जो पुराना वाचा है उसको उसका तुलना जो है एक दासी के साथ किया है, And the Free woman or Sarah, God has compared to the new covenant. और जो स्वतंत्र स्त्री है उसका तुलना जो है नई वाचा के साथ किया है, And both were the sons of Abraham. और दोनों ही अब्राहम के पुत्र थे। So there was a difference between Isaac and Ishmael. तो एक फर्क था जो हम इश्माएल और इसहाक में देख सकते हैं। And the apostle is writing to Galatians, telling them because the Galatians wanted to go back under law. और ये बात जो है प्रेरित पौलुस जो है गलातिये के विश्वासियों से बांट रहे हैं, क्योंकि वो चाह रहे थे कि वो पुराने वाचा में चले जाएं। What is the meaning of going back under the law? तो अगर व्यवस्था के अधीन जाना इसका मतलब क्या है? Meaning that I am trying with my efforts to obey God and to fulfill God's plan. तो इसका ये मतलब हुआ कि मैं अपने ही खुद के प्रयास और संघर्ष से परमेश्वर के नियमों का पालन करना चाहता हूं। I'm trying my best to follow Jesus. मैं बहुत ही परिश्रम कर रहा हूं कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलूं, I'm trying my best to give up my bad habits. और मैं बहुत ही प्रयास कर रहा हूं कि मैं अपनी गंदी आदतों को से छुटकारा पाऊं, I find it difficult to stop talking bad about others. और मैं बहुत ही मुझे मुश्किल महसूस होता है दूसरों के बारे में बुराई ना करना, So I'm trying my best not to do that. और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। But that is Hagar's children. लेकिन ये हाजिरा का संतान है, It is not going to succeed. ये कभी सफल नहीं होगा। Only Sarah's children will succeed. सिर्फ और सिर्फ सारा के संतान इसमें सफल हो सकते हैं, Because Hagar got a son due to natural means. क्योंकि हाजिरा को जो संतान उत्पन्न हुआ वो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुआ। Sarah did not get a son due to natural means. सारा को जो संतान प्राप्त हुआ वो स्वाभाविक रूप से नहीं हुआ, वो It was a miracle of miracles. एक चमत्कारों का चमत्कार, It was impossible. वो एक असंभव कार्य था। Brothers and sisters, the Christian life is impossible. जो क्रिस्ती जीवन है वो भी असंभव है। It's not possible to become like Jesus. ये असंभव है कि हम यीशु मसीह के समान बन जाएं। To have the character of Jesus is not possible.
यीशु के स्वभाव के अनुसार बनना बहुत ही असंभव बात है, बट इफ वी आर इन द न्यू कवेनेंट इट इज पॉसिबल। लेकिन अगर हम नई वाचा के अनुसार जी रहे हैं, के अधीन हैं, तो ये हो सकता है, ये संभव है, बिकॉज वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन आवर वर्क्स बट वी आर डिपेंडिंग ऑन गॉड्स प्रोमिसेस। क्योंकि हम अपने कर्मों पर हम निर्भर नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर के जो वचन है, उनका जो प्रतिज्ञा है, उन पर हम निर्भर हैं। Brothers and sisters, there's a tremendous verse in Romans chapter 9. और इसके बारे में हम रोमियों का नवा अध्याय में देख सकते हैं। Where we see that the Jews who were very zealous of the law and their works, they did not succeed in knowing God, whereas the Gentiles who were very far away from God, they came to know God. और यहाँ ये दिखाया गया है कि यहूदी जो पूरे दिल से परमेश्वर के पीछे वो चलना चाहते थे, वो उसमें सफल नहीं हुए, लेकिन जो अन्य जाति के लोग हैं वो सफल हो गए। सो रोमन चैप्टर 9 वर्स 30-32। और इसका इसको हम रोमियो का नवा अध्याय और उसका 30 और 30 से लेकर 32 में हम पढ़ सकते हैं। It says, what shall we say then that Gentiles who did not pursue righteousness attained righteousness, even the righteousness which is by faith? But Israel, pursuing a law of righteousness, did not arrive at that law. Why? Because they did not pursue it by faith, but as though it were by works, they stumbled over the stumbling stone. रोमियो नौ का 30 से 32 तक, अतः हम क्या कहें, यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है, परंतु इसराइली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे, उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। किस लिए? इसीलिए कि वे विश्वास से नहीं, परंतु मानो कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई। So, brothers and sisters, all of us who desire to partake of the nature of Jesus Christ, we must not strive by our works. It'll fail. इसीलिए भाइयों और बहनों, हम में से जो भी यीशु मसीह के स्वभाव के समान हम बनना चाहते हैं, हमें इसे जो है अपने ही खुद के प्रयास और संघर्ष से पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। Say we are harsh in our attitude. तो अगर हम कठोर हैं अपने दृष्टांत में There's not much kindness in us, और हमारे अंदर दया की भावना नहीं है, then it is not for us to try and be kind, because तो हमें ऐसा प्रयास करके हम दयावान नहीं बन सकते, it will fail. क्योंकि हम असफल हो जाएंगे। This is just one example. सिर्फ ये एक उदाहरण है। But if we want kindness, which is the nature of Christ, लेकिन अगर हम दयालु बनना चाहते हैं, जो यीशु मसीह का स्वभाव है, तो just say, Lord Jesus, I want that kindness in my life. सिर्फ आप ऐसा कहें, प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर ऐसे स्वभाव पैदा हो। Brothers and sisters, because it is in the perfect will of God, what we are asking, God is going to grant it to us. और अगर ये और क्योंकि ये जो हम मांग रहे हैं प्रभु से, ये उनके इच्छा के अनुसार है, तो वो उसे पूरा भी करेंगे। You have to have faith that God has heard our prayer and has answered. और हमारे अंदर ये विश्वास भी होना जरूरी है कि प्रभु ने मेरी विनती सुनी है और वो उत्तर देगा। For that, there's a wonderful verse in, we'll not read it, 1 John chapter 5, verse 14 and 15. और इसके बारे में एक बहुत ही सुंदर वचन, अद्भुत वचन है, जो पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और उसके 14 और 15वें वचन में है। There it is written that if anything we ask according to God's will, He hears it and He answers it. और यहाँ लिखा गया है कि और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, तो वो हमारी सुनता है। In Second Peter also it says that we partake of the divine nature through the promises of God. और दूसरे पत्रस में भी के पुस्तक में भी ऐसे लिखा है कि जो हम जो
प्रभु यीशु के स्वभाव के सहभागी होते हैं, वो हम उनके वायदों के द्वारा हम उनके सहभागी हो सकते हैं। Brothers and sisters, that confidence to go to our Heavenly Father, we must do it by faith. और जो हमारे अंदर जो साहस है प्रभु पिता प्रभु के सन्मुख जाना, वो हमें विश्वास के साथ करना We चाहिए। should dare to call him daddy or a father or the good, very intimate names to our Heavenly Father. हमारे अंदर ऐसा धीरज और साहस होना चाहिए कि हम पूरी तरह हियाव से प्रभु को पिता करके पुकार सके And then always be in fellowship with him. और हमेशा उनके साथ संगति में रहें Every moment to be in fellowship with him. और हर समय उनके साथ संगति में रहें। तो That was the life of Jesus. यही अनुभव था यीशु मसीह का। We will treasure the fellowship of Jesus. और हम जो है इस यीशु मसीह के साथ जो संबंध है उसे हम बहुत ही कीमती जानेंगे। But we may fall off and on. हम कई बार गिर सकते हैं। Okay. Even adult men, when they are walking on the street, may trip over a stone. कई बार जो सयाने मनुष्य हैं वो भी ठोकर खाकर गिर सकते हैं। But whenever we fall and fall into sin, maybe in our speech, in our action, or in our thoughts, then immediately say, Lord, I'm sorry, and by the blood of Jesus being cleansed and back in fellowship. और जब भी हम अपने विचारों में अपनी बातों में या अपने कार्यों में गिर जाते हैं तो हम प्रभु से तभी के तभी हम माफी मांगे और प्रभु से उस संगति में वापस लौटे। So the new covenant life, I said, is first one was not this. What it says, first one is that it is not burdensome to obey to God's commandments. तो पहली बात जो मैंने बताई नई वाचा के अनुसार ये है कि प्रभु के नियमों को मानना हमारे लिए कठिन नहीं है Second one is we are have a confidence and fellowship with God. और दूसरी बात ये है कि हम जो है धीरज से साहस से प्रभु के सम्मुख आए और उनके साथ संगति में रहे। Now we'll see the last part of this new covenant where it says, For I will be merciful to their iniquities and I will remember their sins no more. और जो तीसरी बात जो कही गई है इस वाचा में वो है कि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। Yeah, so Christ has done everything. He has taken away all the penalty of our sin, the curse of even our forefathers. तो हमारे जो सारे अधर्म के जो दंड है और जो भी श्राप है हमारे जो पूर्वजों के कारण जो हमारे ऊपर पाप के कारण आता है वो उन सब को प्रभु यीशु ने हटा दिया है And he doesn't remember any of our sin at all. और वो हमारे पापों का स्मरण नहीं रखते। He is merciful to our present sins. और आज जो हम अधर्म में कई बार गिर जाते हैं उसके प्रति भी वो दयावंत है। He doesn't say now you're falling so many times now. First you try to become better. He doesn't say he's merciful. Anytime we come to him, he's merciful. जब भी हम प्रभु के पास आते हैं वो दया दिखाने के लिए तैयार हैं। वो ये नहीं कहते कि कितने बार तुम गिर रहे हो, अभी अपने आप को सुधरो फिर मेरे पास आओ। In a day we may fall 100 times and come to him, he'll be merciful. हम शायद 100 बार गिर जाएं एक दिन में फिर भी प्रभु के पास आएंगे तो वो हमें दया दिखाते हैं Because he only wants to make us more like him. क्योंकि उनकी इच्छा सिर्फ यही है कि वो हमें अपनी समान बनाए And he not only is merciful, he'll give us grace when we ask him. और वो सिर्फ दयावंत ही नहीं है वो हमें अनुग्रह भी So देंगे। the new covenant, we are not only waiting for mercy, but we want grace to become to overcome. तो हमें सिर्फ दया नहीं प्राप्त होता है, हम साथ साथ में हमें अनुग्रह भी मिलता है। And then in the new covenant life, there is no condemnation. और फिर जो नई वाचा के अधीन में है तो दंड नहीं है। Well, sisters, there are many times I used to live under condemnation. कई बार मैं दंड के अधीन जीता था।
आई यूज टू फील दैट नॉट बिकॉज ऑफ बेसिकली सिन बट बेसिकली आई वुड फील दैट मे बी आई एम नॉट मेजरिंग अप टू गॉड स्टैंडर्ड. और कई बार मुझे ऐसे महसूस होता था कि मैं प्रभु के स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। मैं पाप तो नहीं कर रहा होगा, लेकिन मुझे ऐसे महसूस होता था कि मैं उनके स्तर तक नहीं पहुंच पाऊंगा, इसलिए मेरे ऊपर एक दोष हमेशा मेरे ऊपर लगा रहता था। So my always when I go to God, I say, Lord, is there anything which is wrong in me? और हमेशा मुझे ऐसे महसूस होता था कि क्या प्रभु मेरे से खुश हैं कि नहीं। Or so these are the questions before God. So then you can imagine that there is some stray thought of condemnation. तो इसका ये मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि एक दंड या दोष के जो प्रभाव मेरे ऊपर बना रहता था, But the Bible says there is therefore now no condemnation for those who are in Christ. लेकिन वचन में ऐसे कहा गया है कि जो यीशु मसीह में है उन पर दंड नहीं है। Romans chapter 8 verse 1 रोमियो 8 का पहला वचन। says, so for a child of God, God there is no condemnation. जो भी मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। A child of God should live with zero condemnation. जो भी यीशु मसीह के संतान है वो उन उन पर कोई भी दंड का प्रभाव नहीं है। If we have failed, we have fallen, immediately repent and come to God and ask His forgiveness. He will forgive us, get His cleansing, and then the devil will not be able to accuse us. तो जब हम पाप में गिर जाते हैं तो जल्दी से हम उठकर प्रभु के पास आए और माफी मांगे और हम साफ हो जाते हैं और फिर शैतान हमारे ऊपर दोष नहीं लगा पाए। So now the motivation to obey God is not because of any fear of punishment, but because I want to love Him and His kindness leads me to repentance. और जो भी हमारे अंदर प्रेरणा है प्रभु के पीछे चलने चलने के लिए या उनके आज्ञाओं को पूरा करने के लिए, वो उनके प्रेम के कारण है और भय के कारण नहीं। और And as I said about in Sinai, there was, I'll just finish in 5 minutes. In Sinai, there was a glory of the old covenant. जो पुराना वाचा है उसमें हम देख सकते हैं साइनाई पर्वत पर एक एक तेजोमय या महिमा भरा हुआ परिस्थिति हम देख सकते हैं। So 2 Corinthians chapter 3, the whole chapter is about the new covenant. जो दूसरा कुरिन्थी और उसका तीसरा अध्याय जो है वो पूरा अध्याय ही नए वाचा के बारे में है। So the Apostle Paul says, if the old covenant was with glory, then the new covenant will be with much more glory. तो अगर जो पुरानी वाचा है वो तेजोमय था तो उससे भी बढ़कर तेजोमय नया वाचा है। And that glory was a fading glory. और जो पुरानी वाचा है उसकी जो महिमा है वो घटती जाती थी। Moses, when he went before God, his face was brightened up. जब मूसा परमेश्वर के सम्मुख गया तो उसका मुख जो है वो तेजोमय हो गया People could see the glory on Moses' face. और लोग उस तेजोमय प्रकाश को देख सकते थे। But as he came down the mountain, the glory started fading. और जैसे दिन बीतते गए तो वो जो महिमा है वो घटता गया। So the old covenant glory is not one which keeps on growing but fades. जो पुरानी वाचा के जो महिमा है वो घटता जाता है, वो बढ़ता नहीं है। Brothers and sisters, if our life, maybe 5 years back we were very, zealous and, but now we are cold. और हमारा जीवन भी क्या ऐसे है कि 5 साल पहले हम प्रभु के एकदम निकट थे और अभी हम उनसे दूर हो गए हैं। Glory has faded. और इसका मतलब वो जो महिमा है वो घट गए, That is like the old covenant life. वो पुरानी वाचा के अनुसार जीवन है। But the new covenant is from day to day, year to year, the glory keeps on increasing. लेकिन नए वाचा के अनुसार जो जीवन है उसमें जो महिमा है वो बढ़ती जाती है, दिन ब दिन बढ़ती जाती One है। year back, and now the glory has increased. और 1 साल से
के पहले जैसा हमारा जीवन था वैसा नहीं है, अभी वो आगे बढ़ चुका है। माई रिएक्शंस, माई एटीट्यूड्स, माई मोटिव्स ऑल आर चेंजिंग. मेरी जो दृष्टांत है, मेरी जो सब मेरी जो इच्छाएं हैं, सब बातों में मैंने प्रगति पाई है, That's because we are in fellowship with Jesus and we are seeing him. क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ संगति में रह रहे हैं, और इसके कारण हम उनको देख रहे हैं, And there's a hunger and thirst in our hearts to become like him. और हमारे अंदर वो भूख और प्यास है कि हम उनके समान बने, And God changes us into his glory. और हमें अपनी ही महिमा के समान के प्रति वो हमें बदलते रहते हैं। Yeah, so with these words, brothers and sisters, I'll end this time, this message.